दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम का जियोलॉजिकली सबसे एक्टिव ऑब्जेक्ट क्या है? यानी वह कौन सा प्लैनेट या मून है जहाँ का सरफेस कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है? नहीं तो चलिए आपको एक और हिंट देता हूँ। हमारे सोलर सिस्टम का वह कौन सा मून या प्लैनेट है जो 42 आवर्स के कम समय में ही बहुत बार अपना शेप चेंज कर लेता है? अभी भी आपको जवाब नहीं पता चला? इसका जवाब है जुपिटर का मून आयो। तो चलिए आज के इस वीडियो में आयो के बारे में डिटेल में जानते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, घंटी तो बजा दो। यूं तो सोलर सिस्टम में हजारों सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, वहीं बात करें जियोलॉजिकली सबसे एक्टिव सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की तो वह है जुपिटर का मून आयो। जुपिटर के अब तक ढूंढे गए 79 मून्स में से आयो अपने इसी नेचर के कारण एस्ट्रोनोमर्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। वीडियो में आप जो इस गुच्छा जैसा कंफ्यूजिंग शेप देख रहे हैं वे सब एक्चुअली में जुपिटर के मून्स और उसके ऑर्बिट्स हैं। अगर बात करें इन मून्स की तो जुपिटर के नज़दीक वाले एरिया में 4 मून्स आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो आते हैं, जिन्हें हम गैलीलियन मून्स भी बोलते हैं। वैसे तो ये चारों जुपिटर के सबसे नज़दीक हैं, फिर भी ये आपस में बिल्कुल अपोजिट हैं। जैसे यूरोपा पूरी तरह से ओशियनिक वर्ल्ड है, वहीं आयो पूरी तरह से वोल्कैनिक वर्ल्ड है। आयो जुपिटर का एक रिवोल्यूशन लगभग 42 आवर्स में लगाता है और लगभग इतने ही समय में यह अपने एक्सिस पर भी रोटेट करता है, जिसके कारण आयो जुपिटर से टाइडली लॉक्ड हो जाता है। मतलब इसका भी एक सतह हमेशा जुपिटर की तरफ होता है और दूसरा सतह हमेशा जुपिटर से दूर, बिल्कुल हमारे अर्थ के मून की तरह। साथ ही साथ रिवोल्यूशन करने टाइम आयो का ऑर्बिट दो अन्य गैलीलियन मून्स गैनीमेड और यूरोपा से 4:1 और 2:1 के रेशियो में सिंक हो जाता है। मतलब जितने देर में गैनीमेड एक रिवोल्यूशन लगाता है उतने देर में आयो 4 और यूरोपा 2 रिवोल्यूशंस लगाता है। रेवोल्यूशन के इस तरह से सिंक करने के कारण आयो पर जुपिटर के ग्रेविटेशनल पुल के साथ साथ दूसरे मून्स का ग्रेविटेशनल पुल लगता है। ग्रेविटेशनल पुल के इस टग ऑफ वॉर के कारण आयो पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टाइडल फ्रिक्शन लगता है, जिसके कारण आयो का शेप पूरी तरह से डिफॉर्म हो जाता है। अगर टाइडल फ्रिक्शन अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो चलिए दूसरे तरह से समझते हैं। जिस तरह हमारे ओशन और सीज में सन और मून के ग्रेविटेशन के कारण हाई टाइड और लो टाइड आता है, उसे ही टाइडल फ्रिक्शन बोला जाता है। लेकिन आयो के केस में ये थोड़ा अलग है। जुपिटर और अन्य मून्स के ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर इतना ज़्यादा पड़ता है कि कभी कभी यह डिफॉर्म होकर एग के शेप में हो जाता है, तो कभी कभी पूरी तरह से अस्फेरिकल हो जाता है। अगर बात करें इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की तो इस मून पर सोलर सिस्टम में सबसे कम मात्रा में पानी मौजूद है। साथ ही साथ यह मून वोल्केनो से भरा हुआ है, जिस पर 400 से अधिक एक्टिव वोल्केनो हैं, और इतने वोल्केनो होने के पीछे का रीज़न भी टाइडल फ्रिक्शन के कारण हुए हीटिंग को माना जाता है। जब इसके वोल्केनो से सल्फर और सल्फर ऑक्साइड के प्लूम्स निकलते हैं तो यह सरफेस से लगभग 500 किलोमीटर ऊपर तक चले आते हैं। यहाँ आउटर सोलर सिस्टम के अधिकांश सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट मीथेन, अमोनिया और वाटर के आइस से बने हैं, वहीं आयो मुख्यतः सिलिकेट रॉक्स का बना है, जिसके कोर में अर्थ के जैसा ही मोल्टेन आयरन कोर है। बहुत बार आयो के वोल्केनो से निकले हुए चार्ज्ड पार्टिकल्स का रफ्तार इतना ज़्यादा होता है कि ये जुपिटर के ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं, तब इन्हें न्यूट्रल क्लाउड्स बोला जाता है, जो फिर बाद में जुपिटर के इन्फ्लुएंस में आकर इसके ऑर्बिट में ही 70 किलोमीटर/सेकेंड की रफ्तार से चक्कर लगाने लगते हैं, तब इन्हें प्लाज्मा टॉरस बोला जाता है, जबकि आयो मात्र 17 किलोमीटर/सेकेंड की रफ्तार से रिवॉल्व करता है। प्लाज्मा टॉरस के इतने फास्ट रिवोल्यूशन करने के कारण जुपिटर के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जिससे जुपिटर का मैग्नेटोस्फेयर 2 गुना तक बढ़ जाता है। इन सब के अलावे जहां हमारे अर्थ पर वाटर का लेक पाया जाता है, वहीं आयो का लोकी पतेरा हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता ऐसा लेक है जो पूरी तरह से लावा से भरा हुआ है। चलिए अब जानते हैं हमारे साइंटिस्ट आयो के ऐसे वोल्केनिक नेचर होने के अलावे इस मून के बारे में जानने के लिए इतने क्यूरियस क्यों हैं। दरअसल आयो अभी जिस स्टेज से गुजर रहा है वही सीन करोड़ों साल पहले अर्थ पर भी रह चुका है, जब अर्थ पर हीडियन इयॉन चल रहा था। चलिए मजे के लिए एक और बात बता देता हूँ।
जिस समय अभी आप यह वीडियो देख रहे हैं वह फेनारोजोइक इओन है, जिसमें होमो सेपियंस यानी हमारे जैसे इंटेलिजेंट ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं। बाकी के इओन्स के बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे। अभी वापस आयो पर चलते हैं। आयो के बारे में स्टडी करके साइंटिस्ट यह भी पता लगा पाएंगे कि अर्थ, मार्स जैसे रॉकी सरफेस वाले टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। आयो के स्टडी करने के लिए नासा 2028 में एक लो कॉस्ट ऑर्बिटर मिशन लॉन्च करने वाली है, जिसका नाम आईवीओ यानी आयो वोल्केनो ऑब्जर्वर होगा। ऐसा ही नासा पहली बार आयो को किसी ऑर्बिटर से देखेगा। इससे पहले भी न्यू होराइजन, पायोनियर जैसे स्पेसक्राफ्ट से इसके इमेज लिए जा चुके हैं, लेकिन कोई भी आयो के लिए स्पेशली नहीं था। लेकिन आईवीओ पूरी तरह से आयो के लिए डेडिकेटेड होगा, जो कि आयो के पास से 10 फ्लाईबाय मिशन करेगा। आयो के अलावे नासा 3 और प्रपोज्ड मिशन रखा है, जो है ट्राइडेंट, जो न्यूपिशन के हाईली एक्टिव मून ट्राइटन के लिए होगा, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे, और वेरिटास और डाविंची 1 जो वेनस के लिए होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो जरूर ही अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से लाइक कर दो। अपना ओपिनियन और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो कमेंट्स में जरूर बताना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी तो बजा दो, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू, सायोनारा।